आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, टुडेस आवर क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो हमारे स्टेटमेंट से एटीपी सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच गिव्स राइज टू टू एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड वन एफएडीएच टू राइज थ्री एटीपी मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हम हर एक स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है एटीपी सिंथेसिस थ्रू कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। हम जानते हैं एटीपी होगी सिंथेसिस। ओके, और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, सो दिस प्रोसेस, इसमें पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। फाइन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम चार कॉम्प्लेक्सेस के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जो हमारा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स रहता है वो होता है एटीपी सिंथेस। ओके, ये ही कॉम्प्लेक्स होता है जो एटीपी का प्रोडक्शन करता है। फाइन, अब ये जो एटीपी सिंथेस है ये एक टाइप से मोटर होता है, मोटर के फॉर्म में वर्क करता है जो राउंड मूव करता है और एटीपी का प्रोडक्शन करता है। फाइन, नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट। हम जानते हैं कि जो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसका मोटो ही होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का प्रोडक्शन। अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है ये क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ओके, द थर्ड स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। एज वी नो द नेम सजेस्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, कोई भी एरोबिक प्रोसेस होगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन का नीड जरूर होगा। ओके, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि टर्मिनल स्टेज की, यानी जब एंड पॉइंट आ जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन वाइटल रोल प्ले करती है। ओके, लेकिन एट अ लिमिटेड अमाउंट, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, एंड द फाइनल स्टेटमेंट इज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच गिव राइज टू टू एटीपी। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो वन एनएडीएच होता है, ओके, वो होता है अराउंड 2.5 एटीपी, जिसे हम ओवरऑल 3 एटीपी मानते हैं। और अगर हम वन FADH2 की बात करें तो दैट yields अबाउट 1.5 एटीपी, जिसको हम ऑलमोस्ट 2 एटीपी मानते हैं। ओके, तो हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा दैट विल बी द लास्ट वन, दिस वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी ये हमारा आंसर होगा। ओके, आंसर हमारा होगा द लास्ट स्टेटमेंट, आंसर इज डी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।